हेलो गाइस, दिस इज़ हार्डी साहिल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर आए हैं और दुनिया ही ना घूमे तो क्या किया। तो यही बात को लेके मैं कुछ दिनों से सोच रहा था। हालांकि कल ही मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया है, तो मैंने सोचा अब करना क्या है। तो इसके लिए मैंने सोच विचार करके एक दिन में ही सोचा कि क्या करना है। तो मैंने डिसाइड किया गाइस कि आज से मैं ट्रैवलिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग करूँगा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँ और भी कहीं वेबसाइट पे डालूँगा। तो आशा करूँगा कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं हूँ मदुरई में, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। आप लोग को पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर दिखाते हैं आपको, उसके बाद दो तीन और प्लेस हैं जो आपको घुमाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर शहर के जहाँ भी मैं जाऊँ कम से कम चार जगह तो ज़रूर घुमाऊँगा और पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आपको किस तरह से आना है यहाँ और क्या करना होता है। कुछ प्रोसेस मैं बताऊँगा जो मुझे पता होगा जितना। और बाकी मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो डालूं। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ, यही है मेरा भोरिया बिस्तर, और चलते हैं अभी मीनाक्षी मंदिर की तरफ। तो वहाँ पे आपको मिल के बात करते हैं, कुछ खाना खाएंगे। अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, अभी सुबह के 11:50 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितनी धूप है, मेरा पसीना छूट गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक छाता ज़रूर लेके आए, क्योंकि तमिलनाडु में हमेशा गर्मी रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कभी आएँ कोई भी मौसम में, क्योंकि यहाँ हमेशा गर्मी होती है, तो आप छाता ज़रूर लेके आएँ। और मैं पूछ पूछ के आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर मैं था ब्रिज के नीचे, तो वहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, 1.2 किलोमीटर डिस्टिनेशन था, इसलिए मैं पैदल निकल चुका हूँ। आप लोग को पैदल अच्छा लगे तो पैदल आओ, नहीं तो आप ऑटो बुक कर सकते हो और आप मंदिर की तरफ जा सकते हो। अभी पास जाके मैं दिखाता हूँ आपको, टेंपल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गजब है। मंदिर के मेन गेट के पास यहीं से एंट्री है, और आगे मंदिर के मेन चार गेट हैं। ये तो मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। और आप देख सकते हैं अगल बगल में थोड़ा सा मार्केटिंग है, साड़ी वाड़ी की दुकान है। और चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा नज़ारा और आपको दर्शन करवाते हैं। तो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ मंदिर के प्रांगण में, और मेरे पास बहुत सारे सामान हैं। तो मैं पहले सबसे पहले जाके लॉकर रूम में अपना सामान रखता हूँ, और उसके बाद पता करता हूँ कि अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं। अगर कैमरा अलाउ होगा तो मैं लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको मंदिर का चारों तरफ का नज़ारा दिखा दूंगा। और आपको बताता जाऊं कि इस मंदिर में शिव और पार्वती जी का मूर्ति है। तो अभी अभी मैं पहुंचा हूं लॉकर रूम के पास और अपना सामान रखता हूं, उसके बाद आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मंदिर के मेन गेट के पास, और कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर तो आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। मंदिर में मेन चार गेट हैं, तो मैं आपको सभी गेट दिखा देता हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं दर्शन करने के बाद। अभी जो आपको ये गेट दिखेगा, ये गेट है मंदिर का सबसे पहला गेट। इस मंदिर के गेट को उत्तर गोपुर और नॉर्थ टावर के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मैं आपको अगल बगल का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ, किस तरह के यहाँ पे फूल वगैरह माला वगैरह लगाए हुए हैं, और फिर आगे चल के आपको मैं दूसरे गेट की तरफ ले चलता हूँ।
अब ये जो आपको टावर दिख रहा है ये है पश्चिम गोहपुर वेस्ट टावर, ये है मंदिर का दूसरा टावर। और इसके बाद मैं आपको आगे का टावर दिखाने के लिए ले चलता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहे। अब जो आपको ये टावर दिखेगा ये है मंदिर का तीसरा टावर। इस टावर को हम लोग दक्षिण टावर, दक्षिण गोहपुर यानी साउथ टावर के नाम से जानते हैं। और ये देखिए आप अगल बगल का थोड़ा सा नज़ारा, यहाँ पे मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत है। ये है मंदिर का लास्ट पश्चिम गोहपुर ईस्ट टावर। हाँ तो गाइस आप इस मंदिर में आए, मैं तो आ चुका हूँ, घूम के आ चुका हूँ, दर्शन कर लिया मैंने, और आप भी आएँ और यहाँ पे आके दर्शन करें। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था, राजा वो राज करते थे। आपको ये वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और टाटा बाय बाय, टेक केयर।